पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढैंचा बीज के बहाने हरक सिंह रावत पर तंज कसा था, जिस पर हरक सिंह रावत ने पलटवार किया। समझता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, मैं राजनीतिक धुरंधर नहीं हूँ, और मैंने तो केवल या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है या भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। मुझे राजनीतिक दलों का भी अनुभव नहीं है कि किस दल में क्या होता है, किस दल के क्या संस्कार होते हैं, तो मेरे को तो भी अनुभव नहीं है। मैं तो सीधा सपाट एक लाइन में चल रहा हूँ और उसी लाइन पर मुझे आगे बढ़ना है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी, चाहे हरीश रावत जी वो और चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हो, ठीक है व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और चूंकि सबके घर, विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। आगे बढ़ते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से हरिद्वार के व्यापारी भी खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार चौपट हो चुका है, ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए काफी राहत वाला है। अरे बड़े भाई साहब, कोई तो खिला दो। ऐसे जुड़े हुए तो लाखों लोगों के लिए राहत होगी, जो भी चारधाम यात्रा क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, दुकान वाले हों, ढाबे वाले हों, गर्म कपड़े का सामान बेचने वाले हों, या कोई भी पंचर वाले हों, कंडी डंडी वाले हों, उन सब में आज खुशी की लहर है। इस चीज़ से अभिभूत हैं कि वो दोबारा से चारधाम यात्रा शुरू होती देख पाएंगे। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। देश में जो 80-85% हिंदू है, उनके भावना का प्रतीक है, इसीलिए ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है, काम भी उधर चल रहा है। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव डोले के विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस बार भी कोविड को ध्यान में रखते हुए इसे सादगी के साथ मनाया गया। नैना देवी मंदिर परिसर से लगी नैनी झील में नम आंखों से श्रद्धालुओं ने मां को विदाई दी। उधर महोत्सव के आखिरी दिन रानी खेत में मां नंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की और रानीखेत की। नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया, आखिरी दिन शोभा यात्रा निकाली गई। नैनीताल में नैनी झील में मां की जो प्रतिमा है उनका विसर्जन किया गया, नम आंखों से लोगों ने मां को विदाई दी, और रानीखेत में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखा गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां नंदा देवी की विदाई की। जोशीमठ में वामन द्वादशी के मौके पर आयोजित माता मूर्ति मेले का समापन हो गया। भगवत पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया था। वामन भगवान विष्णु के दशावतार में पांचवें अवतार थे। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है। आज ऋषिकेश जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकेश में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री देहरादून कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, शासकीय कामों को निपटाएंगे यहां पर। इसके बाद शाम 6 बजे कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड की किट का अनावरण करेंगे सीएम। जनता दर्शन हॉल में ये अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री का आज काफी बिजी शेड्यूल है, शासकीय कामों को भी निपटाना है। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर
जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। कार्यक्रम जान लीजिए मुख्यमंत्री का। आज ऋषिकेश जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुबह 11 बजे पहुंचेगा कार्यक्रम। ऋषिकेश में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री देहरादून कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, शासकीय कामों को निपटाएंगे। शाम 6 बजे जनता दर्शन हॉल में कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड की किट का अनावरण करेंगे।